बढ़िया आपने महिला सशक्तिकरण की बात की और यहाँ पर भी इस टेबल पर भी फिलहाल जो मर्द हैं वो माइनॉरिटी में है तो वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा नमस्कार मेरा नाम है अरुण सिंह और आज देश के युवा के साथ हम मैनिफेस्टो की बात करने वाले हैं लेकिन ये कॉफ़ी पर चर्चा है और हम ऑफकोर्स uh, डिस्कस करने वाले हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का समाजवादी पार्टी का बीजेपी का मेजर पोलिटिकल पार्टीज का कि आपके लिए किसका मैनिफेस्टो स्टैंड आउट कर रहा है और उसमें क्या चीज़ uh, है जिसने आपकी अटेंशन ज़रूर खींची है अगर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो बीजेपी कहती है कि उन्होंने कई व्हीकल्स भेजे लोगों से सुझाव लेने के लिए और उनकी जो नमो ऐप है उस पर भी उन्होंने सजेशंस मंगवाए और उसके आधार पर उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्हें जो सजेशन आए उसके बेस पर उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया लेट्स टॉक अबाउट बीजेपी फर्स्ट वॉट हैज़ स्टूड आउट फॉर यू इन देयर मैनिफेस्टो i feel there are several things that that can be mentioned hmm. uh, one specific thing that i'd like to highlight is that in their sports section they mentioned that they'll be starting uh,

उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है आ, आपके लिए किस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो स्टैंड आउट कर रहा so, है सर सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो अच्छे हैं बट मैं बात करूंगी यदि समाजवादी पार्टी के तो उन्होंने काफी अच्छा मैनिफेस्टो बनाया और उन्होंने महिला सशक्तिकरण पे काफी ध्यान दिया है उन्होंने कहा है कि वो जॉब्स में 33 परसेंट रिजर्वेशन दे रहे हैं वुमेंस को बढ़िया आपने महिला सशक्तिकरण की बात की और यहाँ पर भी स्टेबल पर भी फिलहाल जो मर्द हैं वो माइनॉरिटी में है तो वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा आप बताइए आपके लिए किस पार्टी का मैनिफेस्टो स्टैंड आउट किया है मेरे लिए सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो सबसे पहले मेरे लिए स्टैंड आउट करा है रीजन जो डेली में रह रहा है उनको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री होना वाटर सप्लाई फ्री होना एंड जो इस बार इन्होंने बोला एंटी करप्शन जैसे केजरीवाल जी और आम आदमी में बताया जा रहा है uh, मेरे लिए मुझे लगता है कि सी पी आई एम ने अपने मैनीफेस्टो में काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली हैं जो यूथ्स uh, के लिए काफ़ी सही हैं बेसिकली uh, उन्होंने बोला है कि वो सिक्स परसेंट ऑफ द जी डी पी अलोकेट करेंगे एजुकेशन में तो कई पार्टीज़ का हमने मैनिफेस्टो यहाँ पर डिस्कस किया सीपीआईएम कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी टीएमसी उधर अपने मैनिफेस्टो में कह रहा है कि वो सी ये लागू नहीं करेंगे वेस्ट बंगाल में अगर वो पावर में आते हैं या फिर वो अगर उनका उन उनके पास अगर से होता है उसके अलावा आ, डीएम के कहता है कि फुल स्टेटहुड वो पुडुचेरी को देंगे तो इस तरह कई पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी पिच जो है वो रख रही है और यहाँ हमारा आ, मुद्दा ये था कि देश का युवा क्या सोचता है और उनके लिए किसका मैनिफेस्टो स्टैंड आउट कर रहा है और उस मैनिफेस्टो में क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसकी हम चर्चा करें ऑफकोर्स ये चर्चा हमने कॉफी पर की आइवरी न्यू डेली में आप अपने सजेशन हमें वीडियोज के थ्रू भेज सकते हैं एनडीटी वी का वोट पर और एन की एक खास मुहिम है जहाँ हम चाहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो अभी जस्ट एटीन टर्न हुए हैं वो अपने वोट करने के राइट को एक्सरसाइज करें कैमरा पर्सन स्टीफन के साथ अरुण सिंह फॉर एन